गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शुभम स्वागत कर रहा हूँ आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग में। जैसे तो टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को आइडिया लग गया होगा ये जो वीडियो है कौन से टॉपिक में होने वाला है। तो हाँ जी, मैं बता दूँ, आज मैं जा रहा हूँ सोदपुर इसीलिए जा रहा हूँ, वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा साई टेम्पल है, ठीक है, साई बाबा का मंदिर है। मैं ऐसे तो दो बार जा चुका हूँ वहाँ, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बनाया था। आज मैं स्पेशली वहाँ जा रहा हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो किए है उन सभी को पता होगा कि मैं दो बार गया था बोल के। और मेक श्योर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि वीडियो तो थोड़ा एक दो दिन लेट में आता है, लेकिन इंस्टाग्राम में मैं हमेशा लाइव अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कौन सा ब्लॉग आएगा, क्या आएगा, एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। फिलहाल वहाँ से मैं जाऊँगा ट्रेन पकड़ के सियालदा से फिर सोदपुर, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला जो स्टेशन है वहाँ से ज़्यादा कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, आपको डायरेक्ट सियालदा में मैं मिलता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, अभी मैं रिक्शा ले लिया क्योंकि भाई बहुत जोर का धूप हो रहा है। अरे सच बोलूँ तो भाई मेरे अंदर इतना एनर्जी नहीं है कि मैं लगभग 2 किलोमीटर जैसा वॉक करके जाऊँ स्टेशन तक, तो इसीलिए भाई मैंने रिक्शा ले लिया। ज़्यादा नहीं, वहाँ पे मतलब 50 रुपया करके लेंगे भैया। बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे हम 2 आदमी हैं, निकल गए। और रहा बात रिक्शा की, भाई मेरे को याद है जब मैं स्टैंडर्ड 3 या 4 में था तो मेरा स्कूल का बस नहीं था, ऐसे हमेशा मेरा घर के पास स्कूल की तरफ से एक रिक्शा था, और रिक्शा में मैं और भी काफ़ी सारे लोग हम जा रहे थे स्कूल को रिक्शा पे। भाई और रुको, मैं अभी आपको रिक्शा दिखा रहा हूँ, फास्ट इनोवेशन भाई, देख लो रिक्शा, देख लो भाई, देख रहे हो भाई, बहुत ऑलराइट। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सियालदा स्टेशन में भाई। तो भाई वहां से मेरे को फिर से ट्रेन पकड़ के जाना है सोदपुर, ठीक है। फिर स्टेशन में मेरा टोटो मिल जाएगा, टोटो से मैं ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट लगेगा, मैं पहुंच जाऊंगा मंदिर पर, ठीक है। बाकी सियालदा स्टेशन में भाई क्राउड नेक्स्ट लेवल का है, और धूप कितना जोर का है तो आपको दिखाई दे रहा है भाई। भाई इतना धूप में मैं आया हूँ भाई कंटेंट शूट करने के लिए भाई, इसलिए एक लाइक तो बनता है भाई, इतना तो आप लोग कर भी सकते हो भाई, एक लाइक कर लेना प्लीज़ भाई। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई क्राउड कैसा है, देख लो भाई सियालदा स्टेशन देख रहे हो भाई, ये भाई ये सियालदा स्टेशन, क्राउड देख लो भाई, एक बार एक क्राउड देखो। अरे ये देखो भाई KFC है ये। ऑलराइट, फाइनली हम लोग सोदपुर स्टेशन से उतरने के बाद टोटो ले लिए, 40 रुपया करके लेंगे और हमको मंदिर के सामने छोड़ देंगे भाई साहब। जैसे कि मैं आपको बता रही है ना, नेक्स्ट लेवल खत्म। मतलब मैं टी शर्ट पहन के आया हूँ भाई, ये भी खुल जाने का मन करता है। पूरा बड्डी शॉर्टिंग हो रहा है। एक तो टाइम हो गया है, 11:30 बजे बंद होने वाला है। वही तो आप लोग का है, लॉक है, तुम टेंशन मत लो, दर्शन हो जाएगा। मतलब मेरा किस्मत में मैं ऐसा नहीं पलटा, हो गया, देखो मंदिर भी हो गया, तो 3 बजे तक वेट करना होगा भाई। नहीं मंदिर ऑलराइट, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं साईं मंदिर में, जो पीछे आप देख रहे हो ये साईं मंदिर। अभी वहां से प्रसाद वगैरह ले लेंगे भैया, दे दीजिए ना प्रसाद, दे दीजिए बस। अभी कैंडल लेके कुछ फायदा भी नहीं लगा भी नहीं। तो हाँ जी, प्रसाद भी ले लिए और अभी सामने में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, भाई कैसे आया हूँ मैं वो मेरे को ही पता है भाई, मन में डाउट था कि पहुँच पाऊँगा कि नहीं। और भाई ये मंदिर देख रहे हो भाई, अभी अंदर जाके मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ऑलराइट, मंदिर के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, पता नहीं मेरा वॉइस आप लोगों के सामने सुनाई दे रहा है कि नहीं। मंदिर के अंदर एक्चुअली अभी मतलब आरती चल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए सब लोग वहाँ पे बैठे हुए, तो इसीलिए मैं लाउडली बात भी नहीं कर पाता हूँ, आपको साउंड सुनाई भी दे रहा होगा। जब आरती ख़त्म हो जाएगा मस्त आपको पूरा मंदिर का टूर होगा, ठीक है। अभी आरती चल रहा है ना, रुको मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ भाई, देख लो पूरा आरती चल रहा है, तो जिसको वजह से मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पा रहा हूँ, सब लोग बैठे हैं, ठीक है। आरती ख़त्म होता है फिर मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ। ऑलराइट, आरती वगैरह हो चुका है ख़त्म, और अभी देखो फिर से दर्शन स्टार्ट हो गया, तब दर्शन बंद था क्योंकि आरती चल रही थी भाई। मंदिर देख लो एक बार, कितना बड़ा मंदिर है भाई, देख रहे हो भाई, और सामने में साईं बाबा का इतना बड़ा सा मूर्ति,
मैं अभी पास जाके आपको दिखाता हूँ। और वहाँ देख भाई, वहाँ से एक बार भगवान जी को देखूँ। देख रहा भाई, साईं बाबा को, सबका मालिक है भाई, मैं उनको बहुत ही मानता हूँ। कोई भी चीज़ में उनको बोल रहा हूँ ना भाई, एक बार बोलता हूँ वो हो जाता है भाई, बहुत ही मानता हूँ भाई। देखो और बाकी मंदिर को एक बार देख लो, कितना बड़ा मंदिर है भाई, देख रहे हो भाई। बैठने के लिए अच्छा खासा स्पेस है भाई, कम से कम 500 आदमी तो आराम से बैठ सकता है भाई, अच्छा खासा स्पेस है। और बहुत ही बड़ा मंदिर है भाई। लाइट वगैरह, मैं इवनिंग में आया था ना, लाइट वगैरह जब ऑन हो जाता ना, और भी खूबसूरत लगता है भाई, और भी खूबसूरत भाई, मतलब लेटरली बोल रहा हूँ, पूरा गजब का लगता है। तो हाँ जी, मैं तो आपको पूरी की पूरी मंदिर का टूर दे चुका हूँ भाई। जो धूप रहा है, धूप में चल नहीं सकता है, नहीं भी घूमना है, अंदर अंदर में ही घूमो, अंदर अंदर घूमो भाई। चप्पल हम बाहर रख लिए वहाँ तक भाई, वाक करके आया तो लग गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को इतना मालूम नहीं है, इसको पूरा गर्म तावा। अरे नीचे तो नीचे पूरा गर्म है, सिर्फ तेल डालो, थोड़ा सा राइस वगैरह जो भी डालो, ऑटोमेटिक फ्राई हो जाएगा। अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे सच में। चलो अभी मैं आपको मंदिर का, देखिए जैसे कि अभी आप सबने देखा कि मैं अभी इस वाले साइड में था, अभी मैं आ चुका हूँ उसी के जो साइड में, वहाँ पे मैं कभी नहीं आया था। दो बार आया हूँ मैं, बस वहाँ से दर्शन करके चले जाता था। और अभी मैं आया हूँ इस तरफ साइड में, घूम के आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। हाँ जी देख लो, अभी कुछ टाइम पहले मैं वहाँ था, अभी ये वाला साइड में आया हूँ। ये वाला एरिया बड़ा ठंड लग रहा है। हाँ ये बड़ा ठंड लग रहा है, लेकिन ठंड लग रहा है। अरे पूरा मंदिर में ही मतलब सुकून मिलता है, बहुत ही जोर का, मतलब शांति का पूरा नेक्स्ट लेवल मिलता है भाई मंदिर के अंदर। देख रहे हो भाई कैसा है, ठीक है, टॉयलेट वगैरह है वहाँ पे। हाँ हाँ, अरे होना भी चाहिए, वॉशरूम में होना भी चाहिए भाई। वहाँ पे कुछ रूम वगैरह है शायद इन लोगों का, इतन अच्छा। हाँ हाँ, वहाँ से आगे जा नहीं पाओगे भाई, लेडीज जेंट्स का टॉयलेट है बस। यहाँ तो वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है, कोई नहीं, अभी वहाँ से भाग जाते। ऑलराइट, मंदिर से तो हम लोग आ चुके हैं। एक्चुअली ये वाला शॉप से हम लोग प्रसाद वगैरह लेके गए थे, तो पेमेंट नहीं किया था। भाई ने ही बोला कि आप जाइए, मैं दर्शन वगैरह करके आइए, पेमेंट पर बाद में करके जाना भाई। ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, अभी बस पेमेंट वगैरह करते फिर निकल जाएंगे रूम के लिए, ठीक है। बाकी मंदिर कमाल का है भाई, कभी अगर आप लोग कोलकाता से हो तो आपको पता ही है सोनपुर कहाँ है। और कभी भी आप कोलकाता का प्लान कर रहे हो, अगर आप लोग आ रहे हो कोलकाता, ज़रूर आके एक बार विजिट करना भाई, मैं रिकमेंड करता हूँ भाई, गजब लगेगा भाई, पूरा माइंड में भाई पॉजिटिव वाइब्स आएगा ही आएगा भाई। बीच बीच में मंदिर वगैरह आना भी चाहिए भाई, अच्छा चीज़ है सच में यार। हमेशा रेस्टोरेंट वगैरह हो घूर के मैं ब्लॉग बनाता हूँ, बस आ जाके मैं मंदिर पर ब्लॉग बनाया भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को भाई, कमाल का लग रहा है। देख रहे हो भाई, गजब है भाई, बहुत ही बड़ा मंदिर है भाई, बहुत ही बड़ा मंदिर है। और धूप कैसे हो रहा है वो तो आपको बैकग्राउंड से पता चल ही गया होगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मंदिर से अभी हम लोग निकल चुके हैं, फिर से जा रहे हैं रूम की तरफ। भाई साहब जो धूप है, नेक्स्ट लेवल का धूप है। फिर से टोटल ले लिए सोनपुर स्टेशन तक, ज़्यादा नहीं बस 40 रुपया करके लेंगे भैया दोनों आदमी का, ठीक है भाई कोई बात नहीं। बाकी मैं सोनपुर भाई 3 बार आया, ठीक है, लेकिन आज जो दर्शन हुआ मेरे को कमाल का लगा भाई, वो काफ़ी बढ़िया लगा आज दर्शन करके। शाम को आओ, मतलब धूप हो रहा है। मैं जो दो बार आया था ना, शाम को ही आया था, बड़ी बढ़िया पूरा इस टाइम। और मेरे को लगता है ना, आज जो धूप है ना, मतलब सबसे ज्यादा धूप शायद आज ही है, मेरे को ऐसा क्यों लगता है। कोलकाता का गर्मी ऐसा ही होता है। अरे वो तो है, वो तो है भाई, लेकिन आज पता नहीं क्यों ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है मेरा बॉडी, शायद धूप में घूम रहा हूँ। ये मंदिर के पूरा घूम नहीं पाओगे। और एक बात भाई, 12:30 बजे ना मंदिर क्लोज हो जाता है, फिर 3 बजे रिओपन होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है भाई।
ऑलराइट, अभी एक अपडेट न्यूज है आप लोगों के लिए। अपडेट न्यूज ये है कि मतलब सियालदा तो मैं पहुंच चुका हूं, तो वहां से ना मतलब मेरा जो ट्रेन है लगभग 3:30 बजे है, और अभी मैं टाइम के बारे में बात करूं लगभग जो 10 हुआ है, ठीक है, लगभग 1 घंटा से ज़्यादा टाइम अभी मेरे पास है। तो मैं क्या किया ना, ये जो देख रहे हो आप, ये भाई वेटिंग एरिया में आ गया भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट आगे वहाँ पर भी बैठा हूँ एसी में। भाई क्या करूँ, देख रहे हो भाई वहाँ एसी है, ठीक है, यहाँ एसी में भी बैठा हूँ, और क्या ही करूँ भाई, बहुत ज़ोर का गर्मी लग रहा है बाहर, फिर निकाल जाऊँगा जब ट्रेन आएगा। ऑलराइट, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी बहुत ही टाइम है, तो इसीलिए अभी मैंने ये फिस्पा ले लिया भाई, 10 मिनट के लिए 100 रुपये लेते हैं, तो मेरे को देख के भाई याद आया कि कर लेंगे थोड़ा सा, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ भाई, गुज गुज ऐसा लग रहा है, फिर भी वन टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने कर लिया भाई। ऑलराइट गाइस, मैं तो फिस्पा कंप्लीट कर लिया, और अभी मेरा दोस्त को देखो भाई, ये मसाज ले लिया, सेम है 75 रुपीज़ करके है 10 मिनट का, ये अभी ले लिया भाई, अच्छा खासा टाइम हो जाए, टाइम पास हो जाएगा, कैसे लग रहा है, अच्छा है, आ जाओ मैं भी जाऊँगा, आ जाओ, ठीक है। मैं वहाँ पर अभी फिस्पा किया, अच्छा है, लेकिन मेरे को थोड़ा जो फीस है ना लग रहा है और भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था क्वान्टिटी। ये मैम के साथ बात हुआ, मैम बोल रहा है कि अभी डेथ हो गया, वो लोग ऑर्डर किए, 4-5 दिन टाइम लगेगा, बाकी ये तो बोल रहा है मसाज कमाल का है, कोई नहीं भाई, जब भी आ रहे हो आप सियालदा स्टेशन आ जाना भाई, मोस्ट टाइम पास हो जाएगा भाई, कमाल का चीज़ है भाई, वैल्यू फॉर मनी है। ये सेम चीज़ आप, मैं एक्सिस मॉल में पूछा था, मेरे को 150 रुपया या 100 रुपया ऐसे कुछ बोले थे, वहाँ पे 75 रुपीज़ करके लेते हैं, ये अच्छा लगा मेरे को। तो हाँ जी, अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा रूम आया, रूम आते ही भाई नहाने के लिए चला गया था, थोड़ा सा सो गया, फिर गया मैं नहाने के लिए, रूम तो पहुँचते पहुँचते लगभग आपका 4:30-5 बज गया था भाई, जो धूप था ना भाई, एक्चुअली धूप के वजह से बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हुआ था, नहीं तो उतना जल्दी सच बोलूँ मैं टायर्ड नहीं होता हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, आप लोगों को ही पता है, मैं 1-1.5 महीना के लिए ट्रैवल करता हूँ कंटिन्यू, तो सो दैट मैं टायर्ड बहुत ही कम होता हूँ भाई, आज धूप था सो बहुत ही जल्दी टायर्ड हो गया था। रहा बात वो मेरा दोस्त को, मैंने वीडियो में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो मैं अभी उनको इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। एक्चुअली वो मेरा बीटेक टाइम का फ्रेंड है, हम दोनों कॉलेज में एक ही साथ में पढ़ाई कर रही थी, मैं सागर ए हम सब मिल के ही एक ही रूम था हम लोग का। तो उसका क्या हुआ ना, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर पता नहीं है तो फिर भी मैं बोल देता हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हूँ, और जो सागर है, सागर का इलेक्ट्रिकल है, और जो दोस्त है मेरा उनका नाम स्वागत है, इसी का भी इलेक्ट्रिकल में है। तो बात है कि अभी वो 2 महीना हुआ है कोलकाता में पोस्टिंग हुआ, ठीक है, वहाँ पे अभी वो जॉब कर रहा है अलीपुर में, क्या है क्या नहीं कौन सा कंपनी वो सब तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी है, बस आप लोग यही जान लो वो वहाँ पे जॉब कर रहा है। तो मैं जब गया था प्रीवियस टाइम, वो मेरा स्टेटस दिखा था, स्टोरी टिका था, सो मेरे को इंस्टा में डीएम किया था कि कभी चलते साथ में, मैं बोला हाँ मेरा भी प्लान हो रहा है ब्लॉग शूट करने का, कोई नहीं तू भी जा सकता है, तो इसीलिए हम दोनों मिलके गए थे, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, अगर ये वाला वीडियो में आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट कुछ अच्छा जगह जाके कुछ अच्छा मंदिर को कवर करके कोलकाता का, वो भी मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।